बाबू आपका कोमल केसरी। कोमल केसरी, बाप रे, इनका आवाज देखिए कितना जोर है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? थ्री क्लास में। थ्री क्लास में, तो आप क्या मानता मांगे हैं माता रानी से? कि मैं पुलिस बनूं। पुलिस बन के क्या कीजिएगा आप? देश का सेवा करूंगी। देश का सेवा करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजीव सोनी यूट्यूब चैनल में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं भोजपुर आरा में आए हुए हैं, और आरा में आए हुए आप लोगों को लेकर चलते हैं माँ आयरन देवी के द्वार पे। तो अभी हम आरा आए हुए थे तो सोचे हैं कि माता रानी के आप लोगों को दर्शन करवा दें अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बनेगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे लिखा हुआ है माँ आरण्य देवी द्वार। तो मेन द्वार पे हम खड़े हैं और अंदर चलकर आप लोगों को हम दिखाते हैं कि यहाँ पे मतलब कि प्रसाद उरसाद का भी दुकान है, क्या सब चीज़ है। आप लोगों को सारा चीज़ इस वीडियो के मार्फत से बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। ऑल पे जाए कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आई डी को फॉलो नहीं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ इंस्टाग्राम का आई डी है, वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवाते हैं। यहाँ आप लोग अगर आरा में आते हैं, ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को आयरन देवी के द्वार पे कैसे आना है, तो यहाँ का हम मैप लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर मैप द्वारा आ सकते हैं। तो आप लोग चलिए हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम चलते हैं माता रानी का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए माता रानी के द्वार पर हम खड़े हैं मेन गेट पर, और आप लोग देख सकते हैं सामने में माँ आयरन देवी द्वार लिखा हुआ है। ऊपर में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ऊपर में सबसे पहले जय माता दी लिखा हुआ है, उसके बाद सिद्धपीठ जय माता दी, आगे माँ आयरन देवी द्वार आपका आबिन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हाँ चलिए, यहाँ पे भैया हैं कोई दुकानदार, उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि ये कौन सा जगह जाना जाता है। भैया थोड़ा इधर आइएगा। भैया ये कौन सा चौक हुआ? भैया ये कौन सा चौक हुआ? आयरन मोड़ हुआ। आयरन देवी मोड़, ये चौक का कोई नाम भी है क्या? बड़ी चौक। बड़ी चौक, तो जैसे कि भैया अभी बता रही हैं बड़ी चौक है, और यहीं पे आपको सामने में देख सकते हैं माँ आयरन देवी द्वार लिखा हुआ। अंदर में भैया फूल का प्रसाद उसका भी दुकान है? प्रसाद दुकान है। अंदर में कितना अंदर जाने के बाद मंदिर है? 100 कदम। लगभग 10 मीटर होगा, 10-15 100 कदम। तो जैसे भैया बता रहा 100 कदम अंदर में मंदिर है, तो आप लोग चलिए हम चलते हैं माता रानी का दर्शन करवाते हैं। अच्छा भैया, इस मंदिर पे किस समय भीड़ होता है ज्यादा? सुबह में शाम में, मतलब कि किसी भी दिन या कोई दिन? ना, हर दिन। हर दिन मतलब कि सुबह शाम भीड़ होता है। तो अभी शाम का टाइम है, चलते हैं मंदिर के अंदर में और देखते हैं माता रानी के दरबार में कितना भीड़ है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहे। क्या नाम हुआ भैया? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार का चूरा मुढ़ी का दुकान है। तो आप लोग देख सकते हैं भैया के यहाँ पे मुढ़ी और चूरा का दुकान है। आप लोग द्वार पे आते हैं तो भैया से यहाँ पे चूरी मुढ़ा भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे दुकान है, और यहाँ पे कुछ सामने में दुकान उकान भी है। और अंदर में हम चलते हैं और आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहीं से एकदम चालू हो गया है चुंदरी नारियल फूल माला, मतलब कि हर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कितना सारे दुकान आपको दोनों तरफ मिला। थोड़ा भैया से ही बात कर। भैया कितने का प्रसाद आएगा? 50 रुपये का आएगा। प्रसाद 50 का आएगा? 50 में प्रसाद में क्या क्या चीज़ रहता है भाई? नारियल प्रसादी रुमाल बिंदी रहेगा। अच्छा, रुमाल है और माला है, नारियल और मकुरदाना, और ये सिंदूर विंदूर ये सब। अच्छा, ये सब चुंदरी का दाम अलग अलग है कि सब एक ही है? नीचे वाला 30 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, सब का अलग अलग दाम है, छोटा बड़ा सब साइज मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से चुंदरी भी ले सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे मतलब कि चुंदरी हर एक चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जय माता दी लिखा हुआ है, आपको जो सर में लगाने वाला पट्टी होता है वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ आपको दुकान मिला। यहाँ पे कुछ किराना का भी दुकान है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूजा पाठ वाला किराना एंड जनरल स्टोर। यहाँ पे आपको पूजा पाठ का भी मतलब कि जनरल स्टोर जो भी सामान होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा दुकान है दोनों तरफ, और आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों को शादी ब्याह का मतलब कि जो सामान होता है वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर पूजा पाठ का भी दुकान है। सर ये सब प्रसाद कितने का आ जाएगा? अब जितना कहिए भैया, 21 का 51 का।
अच्छा 21-51 चाहे माता का भक्त जो भी जितना का प्रसाद लेना चाहेंगे एकदम है। अच्छा सबका प्राइस अलग अलग है, तो मतलब कि जो सब में अलग अलग प्रसाद हिसाब से प्रसाद, देखिए प्रसाद की इच्छा के ऊपर है। अच्छा, जितना श्रद्धा है आप ले सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं, आप अपना श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे चुंदरी है, नारियल हो गया, मतलब कि काफी सारा शादी ब्याह का भी आइटम रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भैया का दुकान है गुप्ता मनिहारी श्रृंगार स्टोर। तो यहाँ पे सर शादी ब्याह का आपके पास क्या क्या सामान सब मिल जाएगा? टोटली आइटम A to Z आइटम। तो आप लोग देख सकते हैं भैया का दुतल्ला दुकान है, ऊपर में भी है और नीचे में भी, मतलब कि आपको यहाँ पे A to Z आइटम मिल जाएगा। माला वाला आप लोग देख सकते हैं, पैसा वाला माला देख लीजिए कितना सुंदर यहाँ पे जो है जैसे कि फूल बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे दुकान है, तो अभी आप लोग के लिए चलते हैं हम अंदर में और अंदर चल के आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम आ गए बस गेट पे और काफ़ी सारे मतलब कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है जैसे कि प्रसाद की दुकान है, आपको हर एक प्रसाद यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा अंकल जी से भी पता करते हैं। अंकल जी कितने का प्रसाद आएगा आपके पास? प्रसाद कितने का आएगा? पता दी जी कितना का लेना है? हमको लेना नहीं है। अच्छा मतलब कि जितना के लेना चाहेंगे उतना के मिल सकता है। चलिए बगल वाले अंकल जी से भी हम पता करते हैं। अंकल जी ये माता रानी का प्रसाद कितने का आपके यहाँ मिलेगा? 51 रुपया का मिलेगा, 101 रुपया का मिलेगा, 105 रुपया का मिलेगा। अच्छा जितना इच्छा उतना। 21, 51, 101, 105 मतलब कि भक्त जब जितना मतलब कि लेना चाहेंगे वो आप दे सकते। तो आपके पास क्या सब चीज मिलेगा अंकल जी? प्रसादी मिलेगा, मकंदाला मिलेगा, फूल मिलेगा, नारियल मिलेगा, चुंदरी मिलेगा, लड्डू। अच्छा जी, तो मतलब कि अंकल जी के पास A to Z आइटम मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेन गेट पे आप आते हैं तो ये अंकल जी के यहाँ पे दुकान है और एक दुकान आप लोग देख सकते हैं बगल में भी और यहाँ पे आजू बाजू में भी काफ़ी सारे यहाँ पे दुकान आप लोगों को रास्ते से भी दिखाएं और सामने माता रानी के द्वार के सामने भी मिलेगा और गेट के दोनों तरफ दुकान है। इनसे भी भैया से पता करते हैं। तो भैया प्रसादी कितने का आएगा आपके पास कम से कम? भैया आपके पास प्रसाद कितने का है कम से कम? जितना का आप लेना चाहते हैं। थोड़ा इधर घूम के बात कर लीजिए। जितना का आप लेना चाहते हैं। जितना का लेना चाहते हैं कम से कम कितने का प्रसाद मिल जाएगा आपके पास? 10, 20, 50, 100। अच्छा 10, 20, 50, 100 चाहे मतलब कि जितना का यहाँ पे लेना चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो सर प्रसाद में आपके पास क्या सब चीज मिल जाएगा? जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, आपको जो जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप ही बात कर लीजिए या भैया बात कर लेंगे? तो क्या सब चीज मिल जाएगा भैया आपके पास? आज जो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, लड्डू पेड़ा नारियल चुनरी रुमाल। लड्डू मतलब कि दोनों आइटम मिल जाएगा, दाना का बेसन का दोनों मिल जाएगा ना भैया? तो आप लोग देख सकते हैं दाना का बेसन का दोनों लड्डू आपको मिल जाएगा और जो है कि पेड़ा भी मिल जाएगा भैया के पास, नारियल हो गया, चुंदरी हो गया, फूल माला मतलब कि सर में बांधने वाला पट्टी, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। मेन माता रानी के द्वार पे आप लोग आते हैं तो द्वार के दोनों बगल में आपको जो है कि प्रसाद की दुकान काफ़ी सारे आपको रास्ते में भी दिखाएं। तो आप लोग देख सकते हैं माता रानी के मेन द्वार पे हम आए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अभी आयरन देवी का गेट और आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है सुरक्षा के लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चलिए हम चलते हैं और माता रानी का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग माता रानी के दरबार में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे नलकी की सुविधा है, आप लोग अपना जो है कि हाथ पाँव यहाँ पे धो सकते हैं और यहाँ पे चापा कल भी दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चापा कल भी है, यहाँ भी आप लोग अपना हाथ पांव धो सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मेन गेट पर दान पेटी है माता रानी के इच्छा अनुसार, आपको मतलब कि जो मन हो आप लोग यहाँ पे दान से दे सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं होमन करने वाला यहाँ पे जगह बनाया गया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ दान पेटी पे भी लिखा हुआ माँ आयरन देवी दान पेटी, इच्छा अनुसार आप लोग यहाँ पे दान दे सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं माता रानी के द्वार पे हम आ गए हुए हैं और माता रानी का हम दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग जय माँ आयरन देवी अवश्य लिखेगा और आप लोग किस जगह से किस स्टेट से ये माता रानी का वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट करके जरूर बताइए और माता रानी का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं और यहाँ पंडित जी से कुछ जानकारी भी लेंगे कि कितना पुराना मंदिर है
और माता रानी के यहाँ पे क्या श्रद्धा भाव, कहाँ कहाँ से आदमी यहाँ पे भक्त जन आते हैं वो भी हम बात करेंगे। और इस मंदिर में जो है कि पूजा पाठ के अलावा और क्या सब होता है, सारा चीज़ हम जानकारी लेकर आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत से बताएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ तो गाइस, बाबा जो है ऐसे कि माँ रण देवी के महंत जी जो है सो माता रानी के पास में बैठे हुए हैं, तो हम उनसे सोचे जानकारी लेते हैं। तो वो बाबा महंत जी जो है ऐसे कि हमें अंदर बुलाए हैं, तो हम अंदर चलते हैं और बाबा से जानकारी लेते हैं। आपको वहाँ से मिलेगा कुछ नहीं, तो आपको हमको वही रखना है, पैर में छुए। हाँ तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं बाबा जी जो महान जी है, हम उनके पास आए हुए हैं, कुछ जानकारी बाबा से लेते हैं। प्रणाम बाबा। माता आयरन देवी के हम द्वार पे आए हुए हैं, तो सिर्फ माता रानी के बारे में कुछ आप बता दीजिए, इनके बारे में कितना पुराना मंदिर है ये। भारत के 51 शक्ति पीठों में इनका स्थान आता है। माता सती का बाया नितंब यहाँ गिरा है, बाया जांग जिसे बोलते हैं, जिस कारण से जो दो प्रतिमा देख रहे हैं आप जी, ये एक छोटी प्रतिमा जो देख रहे हैं वो सती का स्वरूप मानी जाती है। अच्छा। आदिशक्ति नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। और जो बड़ी माँ का प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं, त्रेता में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और माता सीता जी धनुष यज्ञ के लिए जब जनकपुर जा रहे थे, तब तक ये सिंगल प्रतिमा माँ अवस्थित थी यहाँ पे, छोटी माँ। यहाँ से माँ का पूजा करके वो लोग धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर गए थे। तत्पश्चात द्वापर का जब प्रारंभ हुआ, तब पांडव लोग अज्ञातवास के लिए यहाँ आए थे, राजा विराट के नगर जाने के मध्य में, तो रात्रि विश्राम यहाँ किया लोग। रात्रि विश्राम के मध्य में माता ने स्वप्न के माध्यम से, जो छोटी प्रतिमा देख रहे हैं, छोटी प्रतिमा के सपने के माध्यम से महाराज युधिष्ठिर जी को सपने के माध्यम से बताया कि हमारी यहाँ पे एक बहन का स्थापना कराइए। इसके फलस्वरूप महारानी देवी का स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा कराया गया। आरा की माँ की कृपा बहुत है, इनकी चलती बहुत है। ये शहर का नाम भी जो आरा पड़ा है उसका भी एक कथा प्रचलित है, प्रचलन में है, सभी लोग जानते हैं पूर्व से भी। हमारे माँ के परम भक्त अनन्य भक्त थे महावीर महादानी थे, मोरध्वज नाम के जो राजा थे, ये कथा प्रचलन में है। उनके पुत्र ताम्रध्वज हुए, उनके पुत्र पे आरा चला था, जिस कारण से इस शरीर शहर का भी आज आरा नाम प्रचलन में है, सभी लोग जानते हैं। माँ के भक्त हुए वीर कुंवर सिंह, अंग्रेजों से बच के माँ के यहाँ पे सेवा पूजा करने आते थे। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे तीर्थयात्री भक्त माँ के आते हैं, मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना माँ सबकी पूरी करती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता है माँ, जो जैसी भावना लेकर आता है माँ से, जिस जो जैसा मांगता है, जिस जो योग मांगेगा तो माँ योग देगी, जिसको भोग चाहिए उसको माँ भोग देगी। आप जैसी कामना लेकर आएंगे माँ उसको वैसे ही दे के फलस्वरूप वापस कर देती है, पुनः बुलाती है। माँ की कृपा का बखान क्या करना है, माँ की कृपा असीम है, और क्या जानना चाहते हैं बोलो। तो बाबा कहाँ कहाँ से यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं? पूरे भारतवर्ष के भक्त यहाँ पे आते हैं, पूरे भारतवर्ष से। जी जी, विदेशों से भी पर्यटक हमेशा कभी ना कभी आते रहते हैं। विदेशों से भी यहाँ आते हैं? हाँ, कम मात्रा में आते हैं लेकिन आते रहते हैं। अच्छा, दर्शन करने आते रहते हैं। जी, जी। तो बाबा यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं, तो यहाँ दर्शन के अलावा यहाँ पे और सब क्या सुविधा है? दर्शन के अलावा जो भी आप सुविधा खोज रहे हैं, तो हमारा 5-7 दिन के, ये 9 तारीख को हमारे मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे रामानुजाचार्य जो सहस्त्राब्दी महोत्सव मना था के चनवा ग्राम में, ऐसे 4-5 साल पहले, हमारे गुरुवर गुरुदेव भगवान हैं श्री जीयर स्वामी जी महाराज, श्री लक्ष्मी प्रबन्न जीयर स्वामी जी रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़े हैं, वही अपना देखते हैं। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा माँ का मंदिर का शिलान्यास आज 9 जून को होने वाला है। उनकी पावन उपस्थिति में समस्त आरावासी सप्रेम सादर आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। आप लोग आइए, माँ का दर्शन करें, शिलान्यास का कार्यक्रम देखें। और मंदिर के जब पुनर्निर्माण हो ही रहा है, तो जो भी आम भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ये मंदिर का जो प्रांगण है, थोड़ा सा शहर के बीचों बीच बसा है, इसलिए एरिया बहुत छोटा है, लेकिन नक्शा माध्यम से मतलब भक्तों को कोई समस्या ना हो उसको ध्यान रखते हुए मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छा बाबा, इस मंदिर में जैसे कि शादी भी है कभी?
शादी विवाह कथा पूजन भजन कीर्तन सब होता है, गाड़ी पूजा होता है, कथा होता है, विवाह होता है, मतलब कि आम मंदिर में जो भी चीज़ होता है वो भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को शादी विवाह मतलब कि मूड़न हो गया, मतलब कि हर एक चीज़ होगा, कथा उथा, आप लोगों को गाड़ी का भी, आप लोग अगर पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आइए, अवश्य करवाइए। तो बाबा और क्या कहना चाहेंगे? अरे हम क्या कहना चाहेंगे, जो जहाँ है बम बम रहे, प्रसन्न रहे। आरा शहर में कभी आगमन हो तो माँ का दर्शन अवश्य करें, हमारा तो यही आग्रह रहेगा। आरा आए तो जरूर माँ का दर्शन करें। आगे आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा आए और माता रानी के दर्शन करें, और हमारे जो भी व्यूअर्स लोग हैं उन लोगों को भी हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करवाएं। सब लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करती है, हमारे विशेष अनुरोध रहेगा माँ से कि आपकी माँ मनोकामना पूर्ण करें और हमेशा आते रहिए, माँ का दर्शन करते रहिए। दर्शन में ही तो सब है जी। जी संत महात्मा का दर्शन करना, मूर्ति का दर्शन करना, मंदिर में मिलेगा क्या, होता क्या है, माँ का दर्शन ही तो सबसे श्रेष्ठ है। और क्या, प्रसाद चढ़ाइए या नहीं चढ़ाइए, हाँ। लेकिन दर्शन करिए, कुछ करिए या ना करिए, दर्शन करिए। जय बाबा। अपना परिचय बताया जाए थोड़ा। माँ के सेवक हैं, माँ के दास हैं, मनोज बाबा नाम हुआ। तो आप लोग देखें, बाबा बहुत सारे बात कहें, उतना हमें जानकारी नहीं था तो बाबा से ही जानकारी लिए। अभी आगे चलिए, हम आगे अंदर में मंदिर के अंदर में जो भी मतलब की चीज़ हम आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहें। ये हम माता अरण्य देवी के आप लोगों को दर्शन करवाए हैं, और बगल में हम चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। ये कौन सा भगवान का प्रतिमा है? विष्णु भगवान है, काली माँ है। विष्णु भगवान और काली माँ और बस सरस्वती माँ का माँ है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं, लीजिए दर्शन कीजिए। अभी देखिए बाबू यहाँ पे पूजा करने आए हैं। बाबू आप कहाँ से आए हैं? सूरत से। सूरत से आप यहाँ माता रानी के दरबार में आए हैं? सूरत रहते हैं। सूरत रहते हैं। ऐसे घर आपका कहाँ हुआ? शाहपुर। अच्छा जी, तो यहाँ हमेशा आते हैं दर्शन करने के लिए? हाँ। जब आते हैं सूरत से तो आपको यहाँ पे माता रानी का दर्शन करके कैसा फील होता है? अच्छा होता है, फील खुशी होता है। तो आप माता रानी से क्या मांगे हैं? हम खुश रहें और बड़े और पढ़े लिखे। आपका मतलब कि माता रानी से आप मांगे हैं कि हम जल्दी से बड़ा हो, पढ़ाई लिखाई करें। तो आप लोग बाबू अच्छा से पढ़िए लिखिएगा। माता रानी से आप लोग जो है ऐसी की दुआ कीजिए इनसे कि आप प्रसाद अभी चढ़ा लिए प्रसाद। हाँ, तो प्रसाद चढ़ा लिए तो उनको आराम से जाकर सर पटक के आप दुआ मांगिए कि आपको जो है कि हमेशा माता रानी खुश रखें, और जो है जल्दी से आप सियान होइए और पढ़ाई लिखाई में आपका मन दे। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम केसरी। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? फाइव में। अच्छा, वो आपका क्या नाम हुआ? रिशु कुमार। अच्छा, रिशु कुमार। तो रिशु कुमार कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? सेवन में पढ़ते हैं। तो आप माता रानी से क्या दुआ मांगे हैं? बड़े होके बड़ा आदमी बने। भैया से भी जानकारी लेते। भैया आप यहाँ पे कहाँ से आए दर्शन करने? हम शाहपुर से आए हैं। शाहपुर से आए हैं, तो आप हमेशा आते हैं माता रानी का दर्शन? हाँ, जब भी हम आते हैं यहाँ माता का दर्शन। अच्छा, यहाँ पे माता रानी का दर्शन करके आपको कैसा फील होता है? बहुत खुशी होता है। और भक्त जनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे माता रानी के बारे में? यही करेंगे कि सब माता का सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, और माता सबका सहयोग करें। हाँ। और भी जो भी आदमी माता रानी का नाम नहीं जानते वह यहाँ आए, एक बार दर्शन करें। और माता जी का जयकार बोले। जय माता दी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रदीप केसरी नाम। अच्छा, प्रदीप केसरी जी। तो चलिए हम आगे भी आप लोगों को दर्शन करवाते। एक छोटी बालक और हमारे साथ। क्या नाम हुआ बाबू आपका? कोमल केसरी। कोमल केसरी, बाप रे, इनका आवाज देखिए कितना जोर है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? थ्री क्लास में। तो आप क्या मानता मांगे हैं माता रानी से? कि मैं पुलिस बनूं। पुलिस बनने की? बाप रे, देख सकते हैं अभी इतना छोटा बालक है और इनको जो है कि पुलिस बनने का मतलब कि अभी से ही इनको मन में देखिए कि मतलब कि चल रहा है। पुलिस बन के क्या कीजिएगा आप? देश का सेवा करूंगा। देश का सेवा करेंगे? ओ ताली बजा दीजिए आप लोग। भैया देख लीजिए इतना छोटा बच्चा को। अच्छा, यहाँ आए हैं माता रानी से और क्या मतलब कि आप मांगे हैं? पढ़ाई लिखाई में तेज बने। तेज बने ना? अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, माता रानी के दरबार में जाइए सर पटक के और उनसे बोलिए कि हमको पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं और हम जल्दी से सियाना हो और देश के रक्षा करें, पुलिस बने। क्या पुलिस के अलावा और भी कुछ आपको बनने का मन कर रहा है? नहीं, सिर्फ पुलिस बनेंगे, देश का रक्षा करेंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं इतना छोटा बालक का मन देख। तो चलिए आपको हम और भी आगे चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि शिवलिंग रखा गया है और इनके ऊपर आप लोग देख सकते हैं घड़ा है। घड़ा पे जो है से कि वो पानी हल्का हल्का बूंद गिर रहा है, हल्का हल्का गिर रहा है। आप लोगों को कैमरा में दिख रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे नंदी हैं, गणेश भगवान हैं। और आगे चलिए हम आप लोगों को और भी आगे चल के दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे ये कौन सा भगवान का प्रतिमा? बाल गोपाल जी हैं। अच्छा, ये बाल गोपाल जी हैं। तो आप लोग जो है से कि बाल गोपाल जी का दर्शन कीजिए, आप लोग देख सकते हैं। देखिए और आगे भी चलिए, आगे भी हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा ढोल है। अच्छा बाबा, ये ढोल जो है कि शाम को बजता है? जी, आरती बजी हर में सब। अच्छा, आरती के समय में। तो आरती किस समय होता है बाबा? शाम का आरती किस समय होता है? शाम को 8 बजे आरती होता है। 8 बजे? हाँ, सवेर को 5 बजे। सुबह 5 बजे आरती होता है। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह 5 बजे और शाम को 8 बजे यहाँ पे आरती होता है। और यहाँ पे भी हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। थोड़ा बाबा इधर आइए। और ये कौन सा प्रतिमा है? ये राम जी का दरबार है। अच्छा, राम जी का दरबार। राम जी हैं, सीता जी हैं, अच्छा भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। अच्छा। राम जी का चारों भाई हैं। अच्छा। और सीता माँ है। अच्छा अच्छा, चारों भाई हैं और सीता माता हैं। जी, तो आप लोग अच्छा जी बजरंग बली और बजरंग बली भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बजरंग बली जो है यहाँ पे सामने। हाँ, और यहाँ पे द्वार पे भी एकदम सामने में भी आप लोग देख सकते हैं उनके गेट पे दोनों तरफ जो है कि आप लोग देख सकते हैं एकदम मुस्तैद हैं। तो आप लोग यहाँ पे आइए एक बार, माता रानी का अवश्य दर्शन कीजिए। और काफ़ी प्यारा यहाँ पे, आप इस माता के प्रांगण में आते हैं तो आपको एकदम मन को एकदम आत्मा को एकदम शांति मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी देखें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है, किसी मूर्ति को छूना और फोटो खींचना सख्त मना है। ये सही बात है, हर जगह मंदिर में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हर आदमी जो है जैसे कि मूर्ति को छू छू कर पूजा करते हैं और जो है जैसे कि फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आएँ तो फ़ोटो ना खींचे, सेल्फी ना लें। और हम जो है जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग घर बैठ के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे माता रानी के दरबार में आइए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी हैं। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ होता है। अंदर में भी मंदिर है? अच्छा, भैरव बाबा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ से तो नहीं लगता है, पर अभी यहाँ पे थोड़ा हम टीका उका देखे हैं और एक भैया बताए हैं, तो हम अंदर चलते हैं और भैरव बाबा का भी आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो आइए भैरव बाबा का आप लोग दर्शन कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, यहाँ पे जो है से कि शादी भी अभी यहाँ पे होता है मतलब। हाँ, तो गाइस अभी आप लोग देखे हैं आरा आयरन देवी का आप लोगों को हम दर्शन करवाए हैं अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से। आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माँ आयरन देवी आवाज़ से लिखिएगा। और जो है से कि आप लोग और आप लोग किस जगह से देख रहे हैं, कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर इस मंदिर में नहीं आए हैं दर्शन करने तो एक बार अवश्य आइए माता आरा आयरन देवी के द्वार में, दर्शन कीजिए। और आप लोग आरा स्टैंड में आते हैं, बस स्टैंड में आते हैं या रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो आप लोगों को माता रानी के दरबार पर कैसे आना है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मैप लोकेशन डाल देंगे। आप लोग मैप लोकेशन के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, ये छोटा सा क्लिप था, वीडियो को आप लोग जो है ऐसे कि वायरल कर दीजिए और माता रानी का आप लोग दर्शन कीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माँ आयरन देवी।